पिछली वीडियो में कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे मैंने आपको ये बताया था कि किन लोगों के लिए बिग फोर में आर्टिकलशिप सूटेबल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 फैक्टर्स जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू अ मिड साइज फर्म। फर्स्ट फैक्टर, वर्क एक्सपोजर। जैसे रेस्टोरेंट्स में एक थाली होती है ना, जिसमें बहुत सारे अलग अलग आइटम्स होते हैं, वैसे ही होती है एक मिड साइज फर्म। तो उस थाली में क्या होता है कि अलग अलग आइटम्स का एक टेस्ट मिल जाता है, राइट? वैसे ही एक मिड साइज में आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का एक्सपोजर मिलता है, जैसे इंटरनल ऑडिट हो गया, स्टैट ऑडिट हो गया, टैक्स ऑडिट या लीगल कंप्लायंसेस। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि क्योंकि आपको हर फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, सो लेटर ऑन यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको किस फील्ड में अपना करियर परस्यू करना है। सेकेंड फैक्टर आया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अगर आपका लॉन्ग रन प्लान ये है कि भाई मुझे अपना फैमिली बिजनेस संभालना है या उसको और ग्रो करना है, और यू हैव अ बिजनेस आइडिया ऑफ योर ओन, और यू जस्ट वॉन्ट टू डू योर ओन थिंग, देन उस केस में मिड साइज फर्म एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का एक्सपोजर मिल जाता है, उससे आपको ना बिजनेस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनकी अच्छी नॉलेज मिल जाती है, विच विल ऑब्वियसली लेटर ऑन हेल्प यू इन डूइंग योर ओन थिंग। थर्ड फैक्टर आया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यार मिड साइज फर्म में भी ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। टॉप मिड साइज फर्म की बात करूं तो भाई उस केस में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, स्टाफ स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होती है, एंड वहां पे भी आपको बढ़िया बढ़िया क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो ओवरऑल अच्छा स्कोप है। बट वहीं अगर मैं दूसरी मिड साइज फर्म्स के बारे में बात करूं तो भाई हाँ, वहाँ पे डेफिनेटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो कम होगा, एंड प्लस इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स भी नहीं होंगे। फोर्थ फैक्टर आया वर्किंग आवर्स। भाई कितने घंटे काम करना होगा या क्या ऑफिस में ही सोना पड़ेगा रात को, भाई ये हालात तो बहुत हद तक मिड फोर एंड टॉप मिड साइज फर्म में सेम ही है। बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं हो जाता इनके वर्किंग आवर्स के केस में। बट जैसे उसके अलावा जो मिड साइज फर्म्स हो गई, वहां पे आपको डेफिनेटली एक अच्छा वर्क एंड स्टडी बैलेंस मिल सकता है। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है अपनी पढ़ाई को ओवर आर्टिकलशिप, देन मिड साइज फर्म एक अच्छा वर्क स्टडी बैलेंस दे देगा। और लास्ट फैक्टर आता है स्टाइपेंड। अब भाई ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे मिड साइज फर्म्स डिसअपॉइंट करती हैं। देखो यार, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। बहुत सारी फर्म्स ये सोचती हैं कि भाई अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो सिखाने के लिए हम आपको ज्यादा पैसे थोड़ी ना देंगे। अब वो भी एक नजरिए से ठीक बात है। और दूसरी तरफ बिग फोर का स्टाइपेंड आता है, अब उसको तो कोई और मिड साइज फर्म नहीं मैच कर पाता। एंड ऑल्सो इस टाइम पे स्टाइपेंड के पीछे मत भागो। अच्छा मिल गया तो भाई बहुत बढ़िया है, और कम मिल रहा है तो भी ठीक है। भाई एक बार क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद तो अच्छे से कमाओगे ही। तो भाई बस ऐसे सोचो कि ये अभी आपका लर्निंग फेज है, अभी आप वहां जाके चीजों को सीख रहे हो, एंड डोंट बी मनी ओरिएंटेड। सो जो भी डिसीजन आप लो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स, जस्ट मेक श्योर कि वो अच्छे से सोचा समझा हुआ हो। मैं मिलता रहूंगा आपसे इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।